पृथ्वी पर जीवन अरबों वर्षों से बुने हुए एक ताने बाने की तरह है। हमारी कहानी आज से लाखों साल पहले शुरू होती है, उन प्राणियों के साथ जो आज हमसे बहुत अलग थे। घने जंगलों की कल्पना करो जो जीवन से भरपूर हैं। ये शुरुआती प्राइमेट, हमारे पूर्वज, पेड़ों पर जीवन के लिए अनुकूलित थे। समय के साथ पर्यावरण बदलने लगा, जंगल घटने लगे और खुले घास के मैदानों का रास्ता दिया। परिदृश्य में इस बदलाव ने हमारी विकासवादी यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट से लेकर आधुनिक मनुष्यों तक की यात्रा अनुकूलन और विकास की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे पर्यावरण बदला, वैसे वैसे हमारे पूर्वज भी बदलते गए। वे पेड़ों से नीचे उतरे और खुले सवाना की खोज शुरू कर दी। सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक द्विपादवाद का विकास था, दो पैरों पर सीधे चलने की क्षमता। कल्पना कीजिए कि इससे क्या क्या फायदे हुए। घास के मैदानों में और दूर तक देखने की क्षमता, भोजन और उपकरण ले जाने की क्षमता और अपने हाथों का उपयोग हरकत के अलावा अन्य कार्यों के लिए करने की क्षमता। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे शुरुआती इंसान सामने आए। उनके पास वानस्पतिक और मानव जैसे लक्षणों का एक अनूठा मिश्रण था। उनके दिमाग उनके पूर्वज प्राइमेट की तुलना में बड़े थे और वे उपकरणों का उपयोग करने में तेजी से माहिर होते जा रहे थे। उपकरणों का विकास और उपयोग मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। अफ्रीकी सवाना में चल रहे शुरुआती मनुष्यों के एक समूह की कल्पना करो। उनका सीधा आसन उन्हें अपने आसपास के अन्य जानवरों से अलग करता है। द्विपादवाद ने उनके हाथों को भोजन, उपकरण और यहां तक कि शिशुओं को ले जाने के लिए मुक्त कर दिया। इससे वे घास के मैदानों को और दूर तक देख पाते थे, जिससे उन्हें शिकारियों और शिकार को पहचानने में मदद मिलती थी। सीधे चलना लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिक ऊर्जा कुशल भी साबित हुआ। जैसे जैसे हमारे पूर्वज सिकुड़ते जंगलों से दूर जाते गए, वैसे वैसे उनके अस्तित्व के लिए द्विपादवाद आवश्यक होता गया। लाखों वर्षों में प्राकृतिक चयन ने उन व्यक्तियों का पक्ष लिया जिनके कंकाल संरचनाएं सीधे चलने के लिए बेहतर अनुकूल थीं। इससे श्रोणी, रीढ़, पैरों और पैरों के आकार में बदलाव आया, जिसका समापन आज हम मनुष्यों में देखते हैं, कुशल द्विपाद चाल में हुआ। उपकरणों के उपयोग ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। शुरुआती इंसान सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए औजारों का उपयोग करने लगे। भाषा के विकास ने सहयोग और सांस्कृतिक संचरण को सुगम बनाया। साधारण पत्थर के टुकड़ों से वे अधिक परिष्कृत उपकरणों की ओर बढ़े। आग पर नियंत्रण ने गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने का तरीका प्रदान किया। चूल्हे के आसपास शुरुआती इंसान इकट्ठा होते थे और सामाजिक बंधनों को मजबूत करते थे। मानव विकास की यात्रा चुनौतियों के अनुकूल होने, नया करने और उन पर काबू पाने की हमारी प्रजाति की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण है। प्राचीन जंगलों में प्राइमेट के रूप में हमारी विनम्र शुरुआत से लेकर पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति के रूप में हमारी वर्तमान स्थिति तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमारे विकासवादी अतीत को समझना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन करके कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बदलते परिवेशों के अनुकूलित किया, हम अपने स्वयं के लचीलेपन और नवाचार की क्षमता में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अपने अतीत से सीखकर हम सभी मानव जाति के लिए अधिक स्थायी और न्यायसंगत भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।